आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, सो द प्रॉब्लम इज दैट 11th टर्म हमें कैलकुलेट करनी है, एपी की सीक्वेंस हमें ये गिवन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एपी की जो nth टर्म होती है दैट इज an, वो मेरे पास होती है a प्लस n माइनस 1 इनटू में d। यहां पे a जो होता है फर्स्ट टर्म होती है एंड d जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है। तो मेरे को a 11 निकालनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, a प्लस 11 माइनस 1 d। That is, A11 जो मेरे पास आई वो क्या आई, a प्लस में 11 में से 1 घटाऊंगी तो कितना हो जाएगा, a प्लस 10d। तो क्लियरली यहाँ पे a जो है वो फर्स्ट टर्म है, दैट इज यहाँ पे अगर मेरे पास a कितना हो जाएगा, अगर मैं इस सीक्वेंस में देखूँ तो जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस 5 है। ठीक है, d इज दैट कॉमन डिफरेंस, तो d क्या होगा, दैट इज मेरे को जो सेकेंड टर्म है दैट इज a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। तो जब भी मुझे d मिलेगा a2 दैट इज माइनस 5 बाय 2, सो माइनस ऑफ माइनस 5 में यहाँ पे करूंगी तो क्लियरली यहाँ पे डी जो मेरे पास आ जाएगा वो कितना आएगा, दैट इज माइनस 5 बाई 2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 5 आ गया। तो अब हम लोग 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो क्लियरली डी यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 2, तो एलसीएम हो गया माइनस 5 प्लस मेरे पास 10 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 बाई 2। तो ए और डी दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। तो यहाँ से अगर मैं ए 11 निकालूंगी तो कितना होगा, ए की जगह पे तो मैं रख देती हूँ माइनस 5 प्लस 10 और d की जगह मैं रख देती हूँ दैट इज 5 बाई 2, 2 से मैं इसको कट कर देती हूँ तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो a 11 की वैल्यू आई है दैट इज ap की जो 11th टर्म होगी वो कितनी होगी, माइनस 5 प्लस 25 एंड दैट इज इक्वल टू 20। तो क्लियरली यहाँ से a 11 जो हुआ वो कितना हुआ, दैट इज 11th टर्म ऑफ द ap इज 20। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।